सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे दन दन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी में उपस्थित गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, सबसे पहले झुकाओ गुरु चरणों में शीस, सभी कहो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब महाराज जी की अपार कृपा सदका आज धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी के उपलक्ष्य में जो लगातार 40 दिन तक दीवान चलते हैं, दूसरे दिन भी सतगुरु साहिब महाराज जिया ने कृपा की है। सतगुरु साहिब महाराज जी ने सभी को अपनी गोद में बैठाकर गुरबाणी पढ़ने का बल बख्शा है। श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ हुए हैं। सतगुरु साहिब महाराज जी की कृपा सदका जतन करेंगे, क्योंकि सतगुरु साहिब महाराज जी की गुरबाणी अगाध बोध है। अगाध बोध बोलते हैं जिसका कोई आद अंत ना हो। ऐसी अकाल पुरख परमात्मा की गुरबाणी है और जतन करेंगे कि जितनी भी सतगुरु साहिब महाराज जी कृपा करे, जितना भी समा बख्शे, श्री सुखमनी साहिब जी की गुरबाणी के जो अखरी अर्थ है वो करने का यतन करेंगे। सतगुरु साहिब महाराज जी धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करते हैं। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। गौड़ी राग में धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखमनी गुरबाणी का नाम है। सुखमनी पाव सुख को देने वाली, सुख को प्रदान करने वाली, जिसको पढ़ने से आत्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। एक होते हैं संसारिक सुख, और संसारिक सुख कैसे होते हैं, वो आते भी है जाते भी है, लेकिन सतगुरु साहिब महाराज जी बोलते हैं इस बाणी को पढ़ने के साथ आपको आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा सुख जिस सुख में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पुरातन गुरसिख हुए हैं वो गुरबाणी का इतना अभ्यास करते थे, गुरबाणी को पढ़ते थे, जब उनको आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाती थी, देख ले ना करो उनका बंद बंद भी काटा गया, उनको चढ़खड़ियों के ऊपर भी चढ़ाया गया, माओ के सामने उनके बच्चों को काटा गया, उनकी माला बनाकर उनके गलों में हार भी पहनाया गया, लेकिन फिर भी वो परमात्मा के हुक्म में प्रसन्न रही। कारण क्या था? क्योंकि उनको आत्मिक सुख की प्राप्ति हुई थी। और गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखमनी पाव इस गुरबाणी को पढ़ने से सुख की प्राप्ति होती है, संसारिक सुख भी मिलते हैं और आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होती है। महला पंजवा। महला से पाव के स्वरूप गुरु नानक देव महाराज जी के पांचवें स्वरूप धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करते हैं। और गुरबाणी को लिखने से पहले सबसे पहले अकाल पुरख परमात्मा का मंगल करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, और साथ साथ जतन करना कि गुरबाणी की सुदाई भी हो जाए। जब हमने उच्चारण करना है एक को अलग से बोलना, एक ओंकार, इसके साथ आप शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। एक ओंकार सतगुरु साहिब महाराज जी फरमाते हैं, एक ओंकार।
ओहंकार से भाव के जो सबको पैदा करने वाला, सबकी प्रतपालना करने वाला, समा आने पर सबको लेता करने वाला, अपने बीच समाने वाला, सारी प्रकृति को चलाने वाला वो एक ही है, अकाल पुरख परमात्मा सतगुर प्रसाद। और जो अकाल पुरख परमात्मा एक है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? सतगुर प्रसाद, सतगुर साहिब महाराज जी की कृपा दोबारा ही उस अकाल पुरख परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्लोक में कृपा करते हैं, आद गुर ए नमः। आद बोलते हैं मुड को, और हमारा सबका मुड कौन है? अकाल पुरख परमात्मा। पाप जो सबका आद है, जो आद रूप अकाल पुरख परमात्मा है, गुरु अर्जन देव महाराज जी पहले श्लोक में परमात्मा का मंगल करते हैं कि उस परमात्मा को हमारी नमः से पाप के नमस्कार है। जुगाद गुर ए नमः, जुगाद पाप जब युगों की आरंभता हुई, युगों के आदि में भी था, जब कोई युग नहीं था तब भी परमात्मा था, और जब युगों की आरंभता हुई, पाप तीन युग माने गए हैं। और कहते अकाल पुरख परमात्मा जो युगों के आदि में भी था, उस अकाल पुरख परमात्मा को हमारी नमस्कार है। सतगुर ए नम है, सतगुर साहिब महाराज जी के चरणों में हमारी नमस्कार है। श्री गुरुदेव ए नम है, जो अकाल पुरख परमात्मा हमारा सभी का गुरुदेव भी है, उस अकाल पुरख परमात्मा को हमारी नमस्कार है। अथवा दूसरे अर्थ विद्वानों ने किए हैं, आद गुर ए नमः। हमारे आद गुरु कौन हुए हैं? धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी। क्योंकि देख लेना करो, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब चंडी की वार लिखी, सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने नौ गुरुओं का मंगल किया था। पढ़ते हैं ना, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाय। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसमें अपना जिक्र नहीं किया। जो गुरबाणी में अंकित है वो नौवें पातशाह तक है, बाद में दसवें पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ए बाद में खालसा पंथ ने अरदास बनाई थी, लेकिन जो गुरबाणी में अंकित है वो नौ पातशाहों तक है। क्यों है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो गुरबाणी उच्चारण की थी, सतगुरु साहिब महाराज जी ने अपने पहले जो नौ गुरु हुए थे उनका मंगल किया था, बीच में अपना नाम नहीं लिखा। इसी प्रकार गुरु अर्जन देव महाराज जी से पहले चार गुरु हुए हैं, गुरु नानक देव महाराज जी, गुरु अंगद देव महाराज जी, गुरु अमरदास महाराज जी और गुरु रामदास महाराज जी। और परमात्मा के साथ सतगुरु साहिब महाराज जी गुरुओं का मंगल भी करते हैं, आद गुर ए नम है, कि जो हमारे आद गुरु थे धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी, उनके चरणों में हमारी नमस्कार है। जुगाद गुर ए नमः, जुग नाम दो का भी है। तो दूसरे गुरु धन धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी को हमारी नमस्कार है, सतगुर ए नमः। क्योंकि धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी बहुत समा अपने नाना सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी के पास रहे, और धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरु अमरदास महाराज जी को सतगुरु कह के संबोधन करते हैं, सतगुर ए नमः। सतगुरु धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों में हमारी नमस्कार है। श्री गुरुदेव ए नमः, गुरुदेव शब्द गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने पिता सतगुरु साहिब महाराज जी के लिए वरदा है। श्री गुरुदेव ए नमः, जिनके चरणों में श्री चेपाप के लक्ष्मी का वासा है। धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी, जिनके चरणों में लक्ष्मी का वासा है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमारी
नमस्कार है, क्योंकि लक्ष्मी दानदन श्री गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में निवास करती थी। और इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। मैं टूक मात्र बेनती करूं तो दानदन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पास माया आई थी, लक्ष्मी आई, बोला कि मुझे प्रवान करो। गुरु नानक देव महाराज जी ने बोला कि 12 को तक हमसे दूर रहना। माया गुरु नानक देव महाराज जी से 12 को तक दूर रही। इसी प्रकार गुरु अंगद देव महाराज जी का समय आया, 6 कोस तक माया गुरु अंगद देव महाराज जी से दूर रही और गुरु अमरदास महाराज जी के दरवाजे के बाहर खड़ी रही। क्योंकि जब इतिहास पढ़ते हैं ना, बहुत सारी जो रस्तों वस्तों की बहुत बड़ी गाड़ियाँ थी ना, वो गुरु अमरदास महाराज जी के दरबार के सामने खड़ी रहती थी। कीमती से कीमती बेटा, कीमती से कीमती वस्त्र गुरु अमरदास महाराज जी के दरवाजे के सामने गाड़ियों में भरकर खड़े रहते थे। लेकिन गुरु अमरदास महाराज जी का नियम था, वो उतनी ही वस्तु परवान करते थे जितनी वस्तु एक दिन गुरु घर में लगती थी। उनका सिद्धांत था जहाँ तक के जितना राशन एक दिन में गुरु घर में लगता था उतना ही राशन गुरु घर में परवान किया जाता था, बाकी बाहर ही पड़ा रहता था, उसको परवान नहीं किया जाता था। और दानदन श्री गुरु रामदास महाराज जी का समय आया, फिर बदलाव आया। लक्ष्मी ने गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में निवास किया, क्योंकि श्री हरिमंदर साहब जी की कार सेवा आरंभ हुई और कार सेवा के लिए बहुत सारी लक्ष्मी के बाप के माया की भी जरूरत थी। तो तब लक्ष्मी को गुरु घर में परवान किया गया, लेकिन अच्छे कामों के लिए। इसलिए दानदन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी बोलते हैं, श्री गुरुदेव ए नमे, जिनके चरणों में लक्ष्मी का निवास है, ऐसे दानदन श्री गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में हमारी नमे से बाब के नमस्कार है। इस श्लोक में दानदन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में, और इसी प्रकार जो गुरु साहब जी से पहले 4 गुरु साहबान हुए हैं उनके चरणों में नमस्कार किया है, मंगल किया है। मंगल का भाव जब हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का मुख वाक लेते हैं ना, तो मुख वाक लेने से पहले शब्द पढ़ा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। ये शब्द क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि गुरु साहिब जी सा सबसे पहले मंगल किया जाता है, वड़ियाई की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है, फिर सतगुरु साहिब महाराज जी अपना मुख वाक बख्शते हैं। और जब भी मुख वाक होता है, एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जब ग्रंथी सिंह मंगल लेता है, मंगल के साथ तो हम बोल सकते हैं, जब मंगल होता है मंगल के साथ हमें मंगल याद हो तो बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें हुक्मनामा याद होता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का मुख वाक आता है हमें याद होता है, हम ग्रंथी के साथ साथ रिपीट करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु का हुक्म आ रहा है। देख लेना करो, गुरु जी प्रत्यक्ष रूप में बैठे हों और हमें कुछ समझा रहे हों, हमें कुछ हुक्म दे रहे हों, हम गुरु के साथ साथ नहीं बोल सकते, नहीं ना बोल सकते, क्योंकि गुरु का हुक्म आ रहा है। गुरु साहिब जी हमें कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, और हमारा फर्ज बनता जो गुरु साहिब जी बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको सुने, उसको समझने का यत्न करें, उसको अपने जीवन में अपनाने का यत्न करें, तब ही हमारे जीवन में सुधार आ सकता है। हम गुरु के साथ साथ नहीं बोल सकते। गुरु ने जो हुक्म दिया है उसको हमें कमाना चाहिए, इस करके सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है सीखना। सिख का अर्थ है सीखते रहना, कि जब भी मंगलाचरण लेते हैं मंगलाचरण के साथ बोल सकते हैं,
लेकिन जब गुरु का हुक्मनामा शुरू हो जाए, चाहे हुक्मनामा हमें याद भी हो लेकिन हम उसके साथ बोल नहीं सकते। हाँ, वैसे जब हम गुरबाणी पढ़ते, सुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं या और कोई गुरबाणी का पाठ करते हैं, कीर्तन के साथ साथ बोल सकते हैं, लेकिन जब गुरु का मुख वाक निकाला जाता है, वो गुरु का हुक्म है, गुरु साहब जी हमें हुक्म दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हम बीच में नहीं बोल सकते। सो जे भी गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सबसे पहले सुखमनी साहब जी की गुरबाणी उच्चारण की और सबसे पहले अकाल पुरख परमात्मा का, चार गुरुओं का मंगल किया है। सतगुरु साहब महाराज जी की कृपा सदका जहाँ तक लड़ीवार कथा आई है, आगे जैसे धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी अष्टपदी के राही, जो अष्टपदियों के बीच में पौड़ियाँ आएगी, जैसे जैसे गुरु अर्जन देव महाराज जी हमें समझाएंगे, हम सभी समझने का यत्न करेंगे, गुरु के मार्ग के ऊपर चलने का यत्न करेंगे, विचारों की सांझ पाते हुए एक नहीं बेअंत गलतियां हो जाती है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, गुरु की संगत बख्शने योग है, बख्श लेना जी। बलाओ फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।